नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रीति मिश्रा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं पाइल्स, फिशर और फिस्टुला के बारे में। इन तीनों के बारे में आज हम बात करेंगे, इसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट जानेंगे, इसके सिम्टम्स जानेंगे और इसका कॉज क्या है ये जानेंगे, और इसकी सारी परेशानियों के बारे में आज हम जानेंगे और इसका निवारण निकालेंगे कि इसको ठीक कैसे किया जा सकता है होम्योपैथिक द्वारा। चलिए, आप शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कर दें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें, और साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली सारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे और मैं आपकी ऐसे ही मदद करती रहूं। चलिए, अब बात करते हैं पाइल्स, फिशर और फिस्टुला की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पाइल्स की। पाइल्स क्या होता है, मतलब हिमेरॉइड और बाबासिर। ये समस्या बहुत ही कॉमन हो गई है, 27 से 28% लोगों को आजकल है ही। ठीक है, अब बात करते हैं पाइल्स की। तो पाइल्स में क्या क्या होता है, पाइल्स में क्या होता है, जो हमारी खून की नसें हैं उनमें क्या होता है, सूजन आ जाती है और वो एनस के पास लटक सूज के लटक जाती हैं, तो उसे हम पाइल्स कहते हैं। जब आपके एनल रीजन पे और रेक्टम पे प्रेशर पड़ता है, इसकी वजह से ये बलून की तरह लटक जाती हैं। मतलब उसको आप, जैसे आप एक बलून होता है उसको प्रेस करेंगे तो नीचे से पूरा ऐसे हाथ में लीजिए, उसको प्रेस करेंगे तो नीचे से थोड़ा सा ऐसे लटक जाता है एक खाल जैसी, वैसे ही इसमें होता है पाइल्स में। पाइल्स में भी ऐसे ही एक खाल जैसी लटक जाती है, जो नसें स्वेलिंग होती है आपकी ब्लड की नसों की, वो ऐसे लटक जाती है गुच्छे की तरह। पाइल्स भी दो प्रकार के होते हैं, एक एक्सटर्नली होता है, एक इंटरनली होता है। एक्सटर्नली मतलब बाहर की तरफ निकला हुआ, और इंटरनली मतलब अंदर की तरफ दबा होगा। और पाइल्स में क्या होता है, पाइल्स में दर्द बहुत कम होता है। मतलब जब ये बहुत ही एक्यूट केस में होगा तो इसमें पेन नहीं होता है, और जब ये क्रॉनिक स्टेज में चला जाता है तब इसमें सीवियर पेन होना शुरू हो। अब चलिए बात करते हैं फिशर की। फिशर क्या होता है, फिशर में क्या होता है, कोई भी एनल इनलार्जमेंट नहीं होता है, कोई किसी चीज का इनलार्जमेंट नहीं हो रहा है। इसमें क्या होता है, जो स्किन होती है, जो नीचे की स्किन होती है लोअर लोअर पार्ट की, वो फट जाती है बिल्कुल, और इसका जो पेन होता है वो बियर नहीं कर सकता कोई भी। इसमें इनबेरेबल पेन होता है, मतलब बर्दाश्त से बाहर दर्द होता है, और ब्लीडिंग बहुत ही ज्यादा सीवियर हो जाती है। जैसे हमें उंगली में कोई कट लग गया है तो खून निकला ही जा रहा है, निकला ही जा रहा है, ऐसे क्या होता है, एनल रीजन की जो स्किन होती है वो फट जाती है, जिसके कारण बहुत ही ज्यादा ब्लीडिंग होती है और हम पेन टॉलरेट नहीं कर पाते। अब फिस्टुला की बात करते हैं। फिस्टुला में क्या होता है, जो हमारी एनल एरिया के पास ओपनिंग होती है उसमें एक छोटी सी फुंसी जैसी निकल जाती है, जिसमें क्या होता है, मतलब पस जैसा भर जाता है और वो अंदर की तरफ बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। जब ये सीवियर हो जाता है तो ये एक खतरनाक रूप ले लेता है, जिसके कारण हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। चलिए, अब बात करते हैं कॉजेस की। तो सबसे पहले हम पाइल्स से शुरू करेंगे, हमने पहले जैसे कि शुरू किया था। तो कॉजेस क्या होते हैं पाइल्स के, किस किस कारणों से पाइल्स की समस्या होती है। किसी को लगातार कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो रही है तो पाइल्स की समस्या हो सकती है। प्रेगनेंसी के समय भी पाइल्स की समस्या हो जाती है, क्योंकि जो हमारा रेक्टम है उस पर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर पड़ता है प्रेगनेंसी के टाइम पे, इसीलिए हमें पाइल्स का सामना करना पड़ सकता है। और बहुत लंबे समय से किसी को खांसी की समस्या है, बहुत ही ज़्यादा खांसती है तो भी हमारे लोअर एब्डोमेन पे फर्क पड़ेगा, रेक्टम पे फर्क पड़ेगा, जिसके कारण भी हमें पाइल्स का सामना करना पड़ सकता है। अब फिशर की बात करते हैं, फिशर की समस्या कैसे हो सकती है। फिशर में मैंने आपको बताया था स्किन जो है फट जाती है, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा प्रेशराइज होता है तो भी ये समस्या हो जाती है। प्रेशराइज कब होगा, जब आपको मोशन सही से नहीं होगा, मतलब कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो रही है, बहुत ही हार्ड स्टूल पास हो रहा है, तो इसकी वजह से भी फिशर की समस्या हो जाती है। मतलब स्किन जो है वो फट जा रही है, जिसके कारण ब्लीडिंग हो जा रही है। ऐसा यहाँ पे सेम एज इट इज प्रेगनेंसी में भी होता है, प्रेगनेंसी में भी प्रेशर पड़ता है तो आपको फिशर का सामना करना पड़ सकता है। अब
लास्ट चीज है कॉन्स डिजीज। कॉन्स डिजीज में भी फिशर का सामना करना पड़ सकता है। अब बात करते हैं फिस्टुला के कॉज के बारे में। फिस्टुला का कॉज है आपकी, आजकल फिस्टुला तो बहुत ही ज्यादा कॉमन हो गया है क्योंकि हमारी जो लाइफस्टाइल है वो सेडेंट्री हो गई है। तो सेडेंट्री लाइफस्टाइल में जो लोग रहते हैं, जैसे कि खाना खाए जा रहे हैं, आराम कर रहे हैं, बिल्कुल फिजिकल वर्क नहीं है, बहुत देर तक बैठे हुए हैं, या फिर ऑफिस का वर्क भी कर रहे हैं तो बैठे बैठे ही कर रहे हैं, तो इसकी वजह से भी हमें फिस्टुला का सामना करना पड़ सकता है। फिस्टुला में मैंने आपको बताया ही था कैसे कैसे क्या क्या होता है। मोटापे की वजह से फिस्टुला का सामना करना पड़ सकता है, और इसमें भी क्या है, कॉन्स्टिपेशन की वजह से भी आपको फिस्टुला का सामना करना पड़ सकता है। अब बात करते हैं इसके सिम्टम्स की। सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, पाइल्स में क्या होगा आपको। पाइल्स में होगा कि आपको मतलब एक्यूट स्टेज में तो बिल्कुल पेन नहीं होगा, पर जब वो स्टेज क्रॉनिक हो जाएगी तो बहुत सीवियर पेन होना शुरू हो जाएगा और ब्लीडिंग भी होना शुरू हो जाएगी। अब बात करते हैं सिम्टम्स ऑफ फिशर की। फिशर में क्या हो रहा है, फिशर में बहुत ही ज़्यादा सीवियर ब्लीडिंग रहेगी आपको। अब फिस्टुला की बात करते हैं, फिस्टुला में क्या होगा, पस फॉर्मेशन होगा, मतलब ब्लड ब्लीडिंग भी होगी, उसके साथ म्यूकस भी आएगा। चलिए अब बात करते हैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में। मैं एक एक करके बताऊंगी कि आपको पाइल्स में कौन सी होम्योपैथी लेनी है मेडिसिन, फिस्टुला में कौन सी लेनी है और फिशर में कौन सी मेडिसिन लेनी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पाइल्स की। तो पाइल्स में हमें कौन सी मेडिसिन का प्रयोग करना है, तो सबसे पहली मेडिसिन है एस्कुलस, एस्कुलस प्रयोग करनी है हमें, और दूसरी मेडिसिन है हमारी नक्स वोमिका, और तीसरी मेडिसिन है हमारी कैलेंडुला। कैलेंडुला के कैसे वर्क करेगी, एज अ एंटीसेप्टिक। अगर आपको पाइल्स में स्वेलिंग भी है तो आप इसका प्रयोग ज़रूर करें। अब लेना कैसे है मेडिसिन को, एस्कुलस का प्रयोग करना है सुबह सुबह एक बार, ठीक है, और नक्स वोमिका का प्रयोग करना है आपको सोते वक्त एक बार। आप 5-5 बूंद लीजिए, आपकी जो ये समस्या है धीरे धीरे कम हो जाएगी। और कैलेंडुला का प्रयोग कैसे कर सकते हैं आप, जैसे आपको स्वेलिंग है बहुत ज़्यादा, तो आप गुनगुने पानी में एक टब में पानी भर लीजिए गुनगुना, उसमें कैलेंडुला डाल लीजिए और उसमें बैठ जाइए, आपकी सिकाई भी हो जाएगी और ये एज एंटीसेप्टिक काम करती है, तो ये जल्दी जल्दी हील भी होना शुरू हो जाएगा। अब बात करते हैं फिशर की होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। तो सबसे पहली मेडिसिन है FP टैब्स। ये क्या है, टैबलेट की फॉर्म में मिलेगी आपको, 2 टैबलेट सुबह लेनी है और 2 टैबलेट शाम को लेनी है। अब दूसरी दवा है पीनिया ऑफिसिनालिस, ये मदर टिंचर है आपको, मैं आपको 2-3 मदर टिंचर बता रही हूँ, इनको आपको एक बॉटल लेनी है, उसमें मिक्स करके उसके बाद ये 20-20 ड्रॉप्स लेना है। तो दूसरा मदर टिंचर है हमारा हाइड्रेसिस्ट कैन क्यू। उसके बाद हमारा आता है कॉन्डी रेगो मदर टिंचर। इन तीनों मदर टिंचर को एक छोटी सी बॉटल लेनी है, तीनों को मिक्स करना है, उसके बाद 20-20 बूंद सुबह दोपहर शाम आपको प्रयोग करना है। 1 से 2 महीने आपको इसका प्रयोग करना है, आपकी जो ये समस्या है बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। अब फिस्टुला की मेडिसिन के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहली मेडिसिन, इसमें भी हम पीनिया ऑफिसिनालिस का प्रयोग कर सकते हैं मदर टिंचर का। इसको आप डायरेक्टली 20 बूंद लीजिए थोड़े से पानी में, बहुत ही अच्छा असर करती है। अब दूसरी मेडिसिन है इसमें बर्बेरिस वल्गेरिस, इसका भी प्रयोग करिए आप सुबह दोपहर शाम 5-5 बूंद लीजिए, ये बहुत ही अच्छा असर करती है। अब तीसरी दवा है मग सॉल्ट आपको 200 पोटेंसी में लेनी है, मतलब सुबह और शाम लेनी है, 2 बार लेनी है। उसके बाद इसमें भी आप कैलेंडुला का प्रयोग करिए, ये भी एक एंटीसेप्टिक की तरह काम करेगी, आपका जो नीचे पार्ट है लोअर पार्ट है उसको हील करेगी अच्छे से, इसकी रोज सिकाई करिए, ये बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और अगर आपको फिस्टुला, फिशर और पाइल्स तीनों की समस्या है, तीनों में से किसी की भी समस्या है, तो आप ट्यूबरक्यूलिनम 1 mg की एक डोज हफ्ते में एक बार लीजिए, ये बहुत ही अच्छा वर्क करती है। एज अ प्रिवेंटिव आप लीजिए तो भी ये बहुत ही अच्छा वर्क करती है, अगर आपको लग रहा है आपको ये सिम्टम्स आ रहे हैं तो आप इसका प्रयोग करिए। थैंक यू सो मच, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें।